चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से और बात करते हैं अवैध उत्खनन की। अवैध उत्खनन के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर सहित 1 जेसीबी को जब्त किया है। मामला जिरन तहसील का है। जिरन तालाब पर मिट्टी निकाली जा रही थी, जिसकी सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को मौके पर पहुंचे और दबिश देकर कार्रवाई की। इस दौरान सभी आरोपी मौके से भाग गए। प्रशासन द्वारा 4 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त कर ली गई है। अवैध उत्खनन के मामले में प्रशासन ने जीरन तहसील में कार्रवाई करते हुए 1 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। जीरन तालाब पर जेसीबी द्वारा अवैध उत्खनन कर तालाब के पास से मिट्टी निकाली जा रही थी। सूचना पर जीरन तहसीलदार मुकेश बामनिया और पटवारियों की टीम ने सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को करीब 2 बजे जीरन तालाब पर दबिश दी, जहाँ जेसीबी द्वारा मिट्टी निकालकर ट्रैक्टर में भरी जा रही थी। कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। 2 ट्रैक्टर चालक राहुल एवं अशोक तिवारी मौके से ट्रैक्टर लेकर फरार हुए, तो वहीं बाकी सभी ट्रैक्टर और जेसीबी छोड़कर भागे। एडीएम सुनील राज नायर ने बताया कि लंबे समय से जीरन तालाब पर अवैध उत्खनन की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई। यहां से 1 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त कर जीरन थाने पर सुरक्षार्थ खड़े किए हैं। काफी दिनों से शिकायत आ रही थी कि जीरन तालाब में से जो है कुछ लोग अवैध रूप से खनन करके मिट्टी निकाल करके ले जा रहे हैं। सिंचाई विभाग की भी शिकायत थी, क्योंकि ये तालाब जीरन का जो है सिंचाई विभाग का है, जिसमें से खनन बगैर अनुमति के किया जाना नहीं किया जा सकता है। और कल जो है मौके पर पहुंच करके 1 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जो खनन कार्य में लगे हुए थे उनको जब्त कर लिया। अब नियमानुसार उनके जुर्माने की और राजस्थान करने की कार्रवाई की। कितने आरोपी करीब इसमें सामने आए हैं? नहीं, वो तो आरोपी तो सब भाग गए हैं। अच्छा, लेकिन उनके नाम पता चल गए, उनमें उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। गाड़ी छुड़ाने तो आएंगे।